मेरा सवाल बोलिए। ये है मिराज के लिए कि एक मेरी फुफ्फो हैं जो बहुत सालों पहले गुम हो चुकी थी, बाद में पता जी चला कि उनके बच्चे हैं जिंदा और वो भी जिंदा है। और उस वक्त का जो जी दौर था वो टेलीफोन का दौर था, और ऐसे मतलब तार वार का दौर था। तो अभी मतलब उनका नामो निशान है नहीं, तो जो विरासत में जी जो तकसीम जो हिस्सा होगा उनका हिस्सा, तो उनके हिस्सा हम देंगे या मतलब क्या करेंगे उनके हिस्से का ये? हाँ जी, देखिए, जो जी कुछ आप लोगों ने तकसीम कर लिया था आपस में, अब देखिए कि जो उनका हिस्सा, पहले तो ये पता कीजिए कि उनका हिस्सा, मान लीजिए जिस वक्त आप लोगों ने तकसीम किया था, 10 लाख रुपया था मीरास, तो उस दस जी लाख में उनका कितना बनता था उसको तय कीजिए। अब वो जो उनका बनता था उसमें से कितना हिस्सा किसके पास गया है, हर आदमी वो निकाल करके उनको देगा। उनके हिस्से का जाहिर है किसी के पास कुछ गया होगा, किसी के पास कुछ गया होगा, अपने अपने जो उसकी मिकदार है मीरास में, उस एतबार से तो जिसके पास जितना गया है उससे लेकर के उनको दे दिया जाएगा। जी शेख, अभी जी वो अली, उनका अता पता नहीं है, वो है ही नहीं, पता ही नहीं चल रहा कि वो है कहाँ पे। ना अभी ही तो उनके आपने बच्चों को कहा पता पता, चल गया है अब। नहीं मैंने ये बोला पता चल गया था उस वक्त, क्या बोलते हैं, तार का जमाना, टेलीफोन का जमाना था, बट अभी कुछ पता नहीं उनका, अब नहीं पता है नहीं पता। जी। देखिए, जब वफात हुई थी तब मौजूद थी और पता चला था, तो उनका जो हिस्सा है, उनका हिस्सा उनके कुछ वरसा अगर आपको पता हूं तो उनको दे दीजिए, और अगर किसी का कोई अता पता नहीं है तो उनका जो हिस्सा है तो खलास, उनका हिस्सा जो पा गया वो पा गया। जब उनका पता नहीं है इसका मतलब उनका वजूद नहीं है।